मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्तर के 4 हॉकी प्लेयर्स की एक कार हादसे में मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं साधना शर्मा, स्वागत है आपका न्यूज को शो। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। दुर्घटना जिले के रसेलपुर गांव की है। 7 हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट खेलने होशंगाबाद आए थे। पुलिस ने हादसे का पूरा विश्लेषण करते हुए बताया है कि ईटरसी की ओर से जाते वक्त उनकी कार अनबैलेंस होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौत हो गई। मृतक खिलाड़ियों की पहचान इंदौर के रहने वाले शहनवाज खान, ईटरसी निवासी आदर्श हरदुआ, जबलपुर के आशीष लाल और ग्वालियर के रहने वाले अनिकेत के रूप में की गई है। चारों भोपाल के MP स्पोर्ट्स एकेडमी में हॉकी खिलाड़ी थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इस पर CM कमलनाथ का एक ट्वीट भी आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे हॉकी प्लेयर्स की वाहन की रसेलपुर गांव के पास दुर्घटना होने की खबर बेहद ही दुखद है। दुर्घटना में मृत खिलाड़ियों के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए कुछ खिलाड़ियों की ठहरने की व्यवस्था ईटरसी की गई थी। ये खिलाड़ी वहीं जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार बने। CM ने घायल के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और उनका इलाज कराने तथा पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद करने की निर्देश भी दिया गया है। होशंगाबाद के DM ने मामले की जल्द से जल्द तफ्तीश करने का आदेश दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।